वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दीक्षा टेल्स। हु दोज आर न्यू ऑन माई चैनल, माई नेम इज दीक्षा एंड आज है वेंसडे। इट मीन्स आज है 16th of November और आज मैं आप लोगों को रेडी दिख रही होंगी थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे जाना है ऑफिस। मतलब मेरे ऑफिस में मुझे 2 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है एंड देन रेस्ट ऑफ डेज मुझे जाना होता है। सो आज मेरे को ऑफिस जाना है और मैंने आज ये ड्रेस डाला हुआ है। ऑल्दो मैं इस ड्रेस में ऑफिस नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी ऑफिस जाने में टाइम है सो अभी मैं बाद में चेंज करूंगी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो है वो डेडिकेटेड है एक स्किन प्रॉब्लम पे, ऐसी स्किन प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ और आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स या किसी भी एज के लोग वो फेस कर रहे होंगे, विच इज़ एक्ने प्रॉब्लम। यू कैन सी एक्ने ऑन माई फेस। अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप टचअप किया हुआ है, कंसीलर लगाया हुआ है, इसलिए आपको इतना मेरा फेस पे इतने स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, बट बिलीव मी बहुत स्पॉट्स हैं मेरे फेस पे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज एक्ने प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसको होती है तो वो लाइफ टाइम भी हो जाती है, जिसको नहीं होती तो नहीं होती। सो आई एम वन ऑफ देम। मैं इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ। सो जब मैं टीन एज में थी तब से मेरे को एक्ने प्रॉब्लम थी, बट ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे फेस पे हमेशा एक्ने रहते हैं, लेकिन लास्ट 2 to 3 weeks मेरे जो एक्नेज हैं वो रिएक्टिव हुए हैं। आई डोंट नो कौन सी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ जो मुझे सूट नहीं कर रही, या कोई फेस वॉश, कोई क्रीम या कोई मेकअप प्रोडक्ट जो मैंने चेंज किया वो मेरे फेस पे सूट नहीं कर रहा, आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इन सब चीज़ों के लिए, लाइक स्किन प्रॉब्लम के लिए, जो फेस की जो प्रॉब्लम होती है लाइक एक्ने प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, इन सब के लिए जो होम रेमेडीज़ होती है ना वो बहुत कारगर होती है। सो आज मैं आप सबके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करना चाहती हूँ फ्रॉम स्क्रैच, लाइक, और वो होम रेमेडीज़ जो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे ना वो आप लोगों के किचन में आई होप मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलेंगे तो प्लीज़ उसको आप मार्केट से ले आना। और हाँ, तो मैं वो 2 रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको आपको लगा के भी दिखाऊँगी, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरे को ऑफिस जाना है आज, तो मैं उसके लिए भी लेट हो रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगी। और अप्लाई मैं करूँगी या नहीं करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन हाँ मैं आपको कैसे वो बनती है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। सो बने रहिए मेरे वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो मैं अभी आउटडोर शूट कर रही हूँ, अगर इसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को बेयर करना मेरे साथ। ओके, सो मैं अभी आपको अपनी 2 रेमेडीज शेयर करती हूँ। ओके गाइस, तो फर्स्ट रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए 1 स्पून बेसन एंड 1/2 स्पून हम यहाँ पे लेंगे राइस फ्लावर, एंड इन दोनों को मिक्स करेंगे। एंड उसके बाद हम लेंगे अ पिंच ऑफ टर्मरिक। हमें टर्मरिक ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत ही कम लेनी है, क्योंकि उससे येलोपन हो जाता है आपके फेस पे। एंड उसके बाद हम रोज़ वाटर डालेंगे। मैं यहाँ पे स्प्रे रोज़ वाटर यूज़ कर रही थी जो जिसकी वजह से मैं मेरा फेस बन रहा था, लेकिन आप रोज़ वाटर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। अगर रॉ मिल्क हुआ तो बेटर होगा, अदरवाइज़ आप बॉयल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ किया। अब मिल्क की क्वांटिटी आपको देखनी है कि आपका पेस्ट आपको कैसा चाहिए, आपको बहुत थिक चाहिए या फिर आपको रनी चाहिए। तो मुझे ना ज़्यादा थिक चाहिए था ना रनी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 स्पून यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना चाहिए, तो वो उसका अंदाज़ा मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे सकती, लेकिन 2 to 3 स्पून आपको चाहिए
चाहिए होगा अगर आप इस क्वांटिटी का पैक बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा पैक की तैयारी करी, जो मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने रोज़ पेटल्स मैंने पाउडर बनाया था, वो पाउडर मैं यहाँ पे 1 स्पून लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैनफी का विटामिन सी का सीरम है ये। ये बहुत अच्छा होता है फेस के लिए और इससे फेस पे ड्राइनेस नहीं आती, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये नहीं है तो यू कैन यूज़ हनी ऑल्सो, तो लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। 2 to 3 drops मैंने यहाँ पे इस पर डाला है। एंड इसके बाद फिर मैं अगेन इसमें मैं मिल्क डालूँगी, बिकॉज मिल्क आपको पता ही है क्लींजर का बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 3 ingredients का यूज़ किया है, ड्राई रोज़ पाउडर और वो विटामिन सी का सीरम एंड मिल्क एंड दैट्स इट। ये बहुत अच्छा फेस पैक बना है सिर्फ और सिर्फ 3 ingredients से, और ये दोनों फेस पैक बहुत ही अच्छे होते हैं। आपकी जो फेस प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन, एक्ने, जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे चीक्स पे हो जाते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये इस चीज़ का रिज़ल्ट लेने के लिए हमें इसको एटलीस्ट 2x a week तो हमें यूज़ करना ही होगा, और वो भी 2 to 3 weeks, तब जाके हमें इसका कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगा। सो मैंने ये यूज़ किया और मेरी जो पिगमेंटेशंस थी वो बहुत कम हुई। लेकिन अभी मैं ये दोबारा यूज़ क्यों करी, क्योंकि मेरे एक्नेज रीएक्टिव हुए हैं, उसके लिए मैं फिर से अपनी होम रेमेडीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ और ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके गाइस, तो दोनों रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और आपने देखा ये कितना इजी है बनाने में ही, और उतना ही इजी है इसको अप्लाई करने में भी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। सो एक ये वाली रेमेडी है जो आई थिंक मोस्टली पीपल यूज़ इट, और ये बहुत 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 अच्छी होती है एक्नेज एंड पिगमेंटेशन के लिए। एंड सेकेंड वन इज़ दिस, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी दी है ऑलरेडी कि कैसे कैसे मैंने इसको बनाया। इसमें बहुत बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो भी चीज़ें इसमें डलती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स जिसमें डलते हैं, वो सब आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको रोज़ चाहिए होगा। अगर आप चाहें तो ड्राई रोज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने रोजेस को ड्राई करने के बाद उसको मैंने इसका पाउडर बनाया है। एंड दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपको मार्केट का पाउडर यूज़ करना है या फिर आपको घर पे बनाना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस रोज़ के लीव पेटल्स को हम ड्राई करें देन उसका पाउडर बनाएं, तो आप मार्केट से वो पाउडर भी ला सकते हैं, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसको वीक में 2x यूज़ करके देखिए और फिर प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये आपको कैसा आपके स्किन पे सूट किया कि नहीं किया। सो ये थी रेमेडीज़, और अभी मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, तो अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। 5 बज गए हैं और मेरे कैब का टाइम 5 बजे है। सो मैं अपना आपको आउटफिट पूरा दिखाती हूँ। वेट, आई एम ऑफिस रेडी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग, डेली व्लॉग वीडियो, जो भी आप कह सकते हो, अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।